सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, किसी भी चीज में कोई भी जब आप एक्टिविटी करते हैं तो उस एक्टिविटी के लिए जोश होना चाहिए, आपका पैशन होना चाहिए। तो वो हमने जो थोड़े से मैचेस देखे तो उसमें बहुत ही क्लियरली एविडेंट था कि आप में जोश था, आप में पैशन है जो आप काम कर रहे हैं। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, चाहे वो छोटे से बच्चों का देखा तो उनमें भी जोश की कमी नहीं थी, और जो बड़े बच्चों का हमने गेम देखा था उसमें भी जोश की कमी नहीं थी। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो आपका जोश है और ये पैशन है इसको बरकरार रखिए, अभी नहीं बिल्कुल अपनी पूरी जिंदगी में जोश और पैशन को बरकरार रखिए। बहुत ज्यादा किसी भी गेम में एक्सेल करने के लिए डिसिप्लिन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका डिसिप्लिन होगा तभी आप जो है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए, डिसिप्लिन फॉलो कीजिए गेम को प्रस्यू करने में, जो आपके कोच बताते हैं उसमें अपना पूरा 200% दीजिए। और मुझे कोई शक नहीं है कि आने वाले एक या दो साल में कोई इंटरनेशनल खेलेगा डोडा डिस्ट्रिक्ट से, और हमें बहुत ही ज्यादा खुशी होगी जब हमें पता चलेगा कि डोडा डिस्ट्रिक्ट से कोई लड़का जो है इंटरनेशनल खेलने गया है और जीता है लड़का या लड़की, तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। नहीं सोचना कि आप नहीं जा सकते, कोई ना कोई तो जाएगा खेलने, ठीक है ना, कोई ना कोई तो जाएगा इंडिया से खेलने कहीं ना कहीं से, कोई ना कोई लड़का कोई ना कोई लड़की जाएगी, तो वो भी आप ही की तरह लड़का या लड़की होगा, उसके भी दो हाथ दो पैर होंगे, ठीक है, तो जाएगा तो वो आप भी हो सकते हैं। ये आपने कभी अपने आप को कम नहीं समझना है, बस आप अपना 200% दीजिए गेम को और 100% जो है आपको सक्सेस मिलेगी। आपके पेरेंट्स को भी मैं बधाई देना चाहूंगा कि जिन्होंने आपको इस जो है फिजिकल फिटनेस के रिजीम में डाला हुआ है, और इस यंग एज में खासकर आजकल के जमाने में जहां पे मोबाइल टीवी थोड़ा ज्यादा है, तो उस टाइम में आपका रुझान आपका इंटरेस्ट फिजिकल एक्टिविटी की तरफ है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और आपके पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई इस बात के लिए, और आप अपने पेरेंट्स का और बच्चों को भी ये होना चाहिए कि अगर पेरेंट्स ने भेजा है तो उसका उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप गेम में अच्छा करके और अच्छे से गेम को खेल के अपना फिजिकल फिटनेस बरकरार रखे उनका शुक्रगुजार करने के लिए। चलिए बेस्ट ऑफ लक और मेहनत करते रहिए। फैकल्टी मेंबर साहब, टेकवंडो चैंपियनशिप, डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, डोडा में ये बहुत बढ़िया चल रहा है। यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम ड्रग्स टू द स्पोर्ट्स एक्टिविटी, और ये बहुत बढ़िया बात है। आने वाले टाइम में मैं उम्मीद करता हूं कि डोडा में बहुत अच्छे प्लेयर्स निकलेंगे जो नेशनल और इंटरनेशनल खेलेंगे और अभी कुछ खेल भी चुके हैं। तो ये जो आपने चलाया है ये बहुत बढ़िया है। अल्टीमेटली ये पुलिस का भी ये काम था कि हम जितने भी हमारे यूथ है इसको ड्रग्स वगैरह से या दूसरी गलत एक्टिविटीज से दूर रखें और स्पोर्ट्स में हम इनको लाएं। और जो हमें यहाँ रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का, ये बहुत बढ़िया है। और इससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि हमारे जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं यहाँ पे टेकवंडो चैंपियनशिप में, और बाकी फील्ड्स में भी लेडीज काफी एक्सेल कर रही हैं। तो ये बहुत बढ़िया बात है फॉर द सोसाइटी। बाकी हमारे अभी पुलिस की तरफ से, मैं डिस्ट्रिक्ट चीफ की तरफ से भी आपका बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए काफी कोऑपरेट कर रहे हैं, जो आने वाले टाइम के लिए बहुत बढ़िया है। यही एक तरीका है जिससे हम बच्चों को एक मेन ट्रैक पे रख सकते हैं और हेल्थी ट्रैक पे रख सकते हैं। अदरवाइज जब हमारा यूथ फ्री होता है तो वह ऐसी ऐसी चीजों के बारे में सोचना शुरू हो जाता है जो ठीक नहीं है। तो बच्चों, आपके पास जब भी फ्री टाइम होता है आप स्पोर्ट्स, किसी भी किस्म का स्पोर्ट्स है उसी में इन्वॉल्व हो जाए आप, वो आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए, आपका जो मेंटल कैलिबर है, साउंड बॉडी से साउंड माइंड, जितना आपका फिजिक अच्छा है उतना आप एजुकेशन में भी अच्छा कर पाओगे।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले टाइम में भी जितनी भी डोडा की पब्लिक है, स्टूडेंट्स हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए हमारी और एडमिनिस्ट्रेशन की अच्छी तरह से मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। देखिए आज हमारा थर्ड डिस्ट्रिक्ट डोडा टाइकोंडो चैंपियनशिप 2022 का एनुअल टाइकोंडो चैंपियनशिप होता है, जिसमें खेल के बच्चे हमारे स्टेट और नेशनल के लिए सिलेक्शन हो जाती है उनकी। हमारा आज का चीफ गेस्ट था वो कर्नल अंकुर शर्मा सर थे, और हमारे राजकुमार सर थे गेस्ट ऑफ ऑनर, जाफर हैदर शेख सर थे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर, और हमारे DIO सर थे श्री अशरफ खुलवानी सर। तो सबका सपोर्ट रहा। कंपटीशन बहुत ज़ोरों शोरों में हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। बाकी जो भी रिजल्ट्स होंगे कल मेडल सरमनी होगी, और जो भी सिलेक्शन टीम होगी वो स्टेट चैम्पियनशिप के लिए निकाली जाएगी। यहाँ का अभी इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमको यही आंसर मिल रहा है कि वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, ताकि हम भी यहाँ पे बच्चों को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे करवा पाएँ, जो कि यहाँ पे पवेलियन की कमी है। बाकी मैनेजमेंट का थोड़ा सा ऑर्गेनाइजर्स की अभी कंप्लेंट है कि मैनेज थोड़ी सी कमी रहती है इवेंट करने में, तो जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी सभी एसोसिएशंस के लिए यहाँ पे अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स का कोऑपरेशन हमारी तरफ ऐसा है कि वो हमारे गेस्ट आए आज के प्रोग्राम में। बेसिकली जो हमारे टेक्निकल कोचेज हैं वो अपने क्लब्स में काम करते हैं, उनको उनके क्लब्स को चलाने के लिए डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स के हाथ में कुछ भी नहीं है। तो जहाँ तक बात रहे हमारे इवेंट की, तो वो आप ऑर्गेनाइज़र से पूछ सकते हैं कि उन्होंने उनको कुछ सपोर्ट किया है कि नहीं है, उस बारे में मैं नहीं जानता हूँ। डिप्टी कमिश्नर, जब से हमारे नए वाले डिप्टी कमिश्नर श्री विशेष पॉल सर आए हुए हैं, तो उनकी तरफ से हमको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है, और उनके जो प्लान्स हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं स्पोर्ट्स के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगी टाइकोंडो को। डोडा से हम आने वाले टाइम में इंटरनेशनल प्लेयर्स प्रोड्यूस करेंगे विद हेल्प ऑफ श्री विशेष पॉल महाजन सर। जी बताना चाहेंगे, जैसे आपने देखा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डोडा की टाइकोंडो चैंपियनशिप हुई आज भी और कल भी ये रहेगी, तो बहुत अच्छे मैचेस हमने देखे। नई गेम है हमारे बच्चों के लिए, और मुझे लगता है बहुत अच्छा जोश देखा हमने बच्चों में। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जहाँ तक सवाल है कि जैसे आपने देखा DC साहब हर मीटिंग में, हर ऐसे फंक्शन में यही कहते हैं कि हमें डोडा से ओलंपियंस चाहिए, हमें यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खेलने वाले गोल्ड मेडलिस्ट चाहिए, ताकि हमारा नाम जो है रोशन हो। तो इस सिलसिले में हदायत जो है, ज़रूरी हदायत बाकी डिपार्टमेंट्स को भी दी गई है। यूथ रिसेंट स्पोर्ट्स आपने देखा डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट्स भी करवाता है, आपने देखा होगा पंचायत लेवल पे, फिर जोन लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चैंपियनशिप्स होती हैं। पुलिस ने यहाँ पे बहुत अच्छा क्रिकेट का टूर्नामेंट करवाया, आर्मी यहाँ पे करवा रही है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की इन एसोसिएशन को पूरी सपोर्ट है। इनको क्या डी साहब ने कहा है कि आप ऐसे मैचेस करवाएं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को जो है एक सिम्ट दे रहे हैं
स्पोर्ट्स में इनको एक्सेल करवा रहे हैं, तो हमारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की, जब तक ये जो है बच्चों के हित में जो है स्पोर्ट्स के हित में काम करेंगे, तो एडमिनिस्ट्रेशन का इनके इनको पूरा सहयोग रहेगा। सर स्पोर्ट देखें ना आपने, देखिए यूथ सर स्पोर्ट्स के ट्रेनर्स भी यहाँ पे इस वक्त मौजूद थे, हालांकि ये एसोसिएशन का या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्राम था, लेकिन उनके यहाँ पे ट्रेनर्स रहे हैं, खुद जाफर साहब यहाँ पे थे, तो कहीं ना कहीं उनकी सपोर्ट है, वो चाहते हैं कि ये स्पोर्ट्स जो है, नई स्पोर्ट्स जो है, जैसे आपने फेंसिंग गेम्स का पिछले साल इंट्रोडक्शन यहाँ पे डोडा में हमारे बच्चों के से हुई, शूटिंग की जो है ट्रेनिंग करवाई जाती है, बाकी हमारे इंडोर स्टेडियम के कंप्लीट होने में बहुत सारी और नई गेम्स आएंगी, जिसमें हमारे बच्चे जो है यहाँ पे अपना लोहा मनवा सकते हैं और अपना जो है और डोडा का और हमारे देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो हम शुक्रिया भी अदा करते हैं, जैसे ये बुरहान जी हैं जो ये टाइकंडो एसोसिएशन का मैच करवा रहे हैं, हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही बाकी एसोसिएशन और बाकी लोग भी हमारे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे, जहां से वो उठ के नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचेंगे। सर, आपने